पर के लोगों ने उसकी आज्ञा उल्लंघना की, इसलिए उसने उनके दुश्मनों को उन्हें गुलामी में ले जाने दिया। उन्होंने यरूशलेम का नाश किया और बहुत से यहूदियों को उनके अपने देश बाबुल में ले गए। दानियल बाबुल में गए यहूदियों में से एक था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और दिन में 3 बार उसे प्रार्थना की। परमेश्वर ने दानियल को आशीष दी और वो उस देश में एक शक्तिशाली अगुआ बन गया। कुछ अगुए दानियल से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाया। लोग केवल राजा दारा से प्रार्थना कर सकते थे। जो कोई भी उल्लंघना करता है वो एक शेरों की मांद में डाला जाएगा। दारा सहमत हो गया। दानियल ने अभी भी परमेश्वर से प्रार्थना की और पकड़ लिया गया। दारा उदास था। वो दानियल को पसंद करता था। उसने जाना कि उससे चालाकी की गई थी, पर वो कानून को नहीं बदल सकता था। दानियल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। शेर दहाड़े और दानियल की तरफ आए। तब एक स्वर्गदूत पहुंचा। परमेश्वर ने उसे भेजा था। स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। दानियल ने बिना किसी नुकसान के वहां पर रात बिताई। दिन निकलने पर राजा दारा ये देखने के लिए गए कि क्या दानियल जीवित था। परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा, दानियल ने कहा। राजा रोमांचित हुआ। दानियल को शेरों की मांद से बाहर निकाला गया। तब राजा दारा ने दानियल के दुश्मनों को मांद में डाल दिया। शेर उन्हें हड़प कर गए। राजा दारा ने उसके राज्य में दानियल के शक्तिशाली जीवित परमेश्वर का आदर करने के लिए कहा।